Good morning to my dear friends. Today we will differentiate about CCA and CCE. So, सबसे पहले CCA क्या होता है? Continuous Comprehensive Assessment और CCE क्या है? Continuous Comprehensive Evaluation. So, assessment और evaluation में हमें differentiate करना है. Assessment जो है, Continuous Comprehensive Assessment क्या है? जो assessment दी जाती है बच्चों को, marks provide किए जाते हैं, चाहे वो quarterly हो, half yearly हो या annual basis पर हो. जैसे annual examinations होते हैं हमारे, हमें marks मिलते हैं ना, report card जैसे मिलता है, उसी तरीके से उसे असेसमेंट कहा जाता है. और इवैल्यूएशन क्या है? कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक तरह की कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है, जो देखा जाता है कि बच्चों को जो है क्या क्या आता है. जैसे प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाती है बच्चों की, और फिर उसके बाद टीचर समझाने के बाद भी जो है कुछ कंसेप्ट बच्चों से पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि बच्चों को समझ अच्छे से आया या नहीं आया. ठीक है, तो ये क्या होती है? इवैल्यूएशन. हमारे जो CCA है उसमें मार्क्स अलॉट किए जाते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं और उस जो है हमें मार्क्स प्रोवाइड होते हैं, है ना, फिर रिपोर्ट कार्ड मिलता है. तो इसी तरीके से CCA जो है उसमें मार्क्स अलॉट किए जाते हैं और CCE में ग्रेड्स अवार्ड किए जाते हैं. नेक्स्ट है जो स्कूल में जो करवाया जाता है, जो मतलब कि हमारा यूनिट टेस्ट होता है, हमारा जो सिलेबस है वो सब CCA में आता है. मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बच्चों की असेसमेंट की जाती है, लेकिन हमारी जो इवैल्यूएशन है वो स्कूलिस्टिक और नॉन स्कूलिस्टिक. दैट मीन्स जो हमने करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं चाहे नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हैं, उनके बेस्ड पर इवैल्यूएट किया जाता है. नेक्स्ट है लिमिटेड टूल्स ऑफ असेसमेंट. जो हमारे कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है उसके सिर्फ लिमिटेड टूल्स हैं कि एग्जामिनेशन जो है ली जाती है बच्चों की, फिर उसके बाद में जो है मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, है ना. लेकिन उसमें बच्चों की कई बार अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं पता चलती. कई बार रोट मेमोरी जो है, रोट लर्निंग, क्रैमिंग को जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो क्रैम करके लर्न कर लेते हैं और इसमें इतना पता नहीं चलता. लेकिन जो हमारी इवैल्यूएशन है इसमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल टू स्टूडेंट्स. हम कहते हैं ना कि एग्जामिनेशंस आ गए तो बच्चे कई बार स्ट्रेस में हो जाते हैं, है ना, तो कितने मार्क्स आएंगे, है ना, तो इसमें स्ट्रेसफुल हो जाता है. लेकिन CCE क्या है? इसमें ग्रेड्स प्रोवाइड होते हैं तो बच्चे इतना स्ट्रेस नहीं लेते और अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं. नेक्स्ट, इससे जो हमारी जो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है वो सबमिटिव इवैल्यूएशन है, और जो हमारी CCE है ये सबमिटिव है लेकिन ज़्यादातर फॉर्मेटिव है. ठीक है, असेसमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या है कि एक साल में कितना सीखा है ना. और CCE क्या है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे है, कैसे हो रही है, मतलब बच्चे को कितना आता है, उसकी नॉलेज कितनी है. वो ये नहीं देखते कि साल में क्या आता है, वो देखते हैं कि बच्चे ने लाइफ, पूरी लाइफ में क्या सीखा जितना उसने पढ़ा. मैंने पहले बताया था कि इसमें रोट मेमोरी होती है ना CCA में, तो ये क्या करते हैं, रोट मेमोरी को जो है इन्हांस करते हैं बच्चों की. लेकिन CCE क्या है, इससे ओवरऑल ग्रोथ होती है बच्चों की. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी वॉज लेस. जो हमारा असेसमेंट टूल है उसमें टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी कम यूज़ की जाती है, लेकिन जो हमारी इवेल्यूएशन है उसमें मैक्सिमम यूज़ की जाती है. CCA जो है वो टीचर सेंटर्ड है और CCE क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है. इसमें स्टूडेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ग्रेड्स प्रोवाइड होते हैं, इसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि नॉलेज उनको कितनी जो है उनकी इन्हांस हुई. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है. नेक्स्ट है असेसमेंट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. लेकिन जो हमारा असेसमेंट है वो एक तरह का टीचिंग लर्निंग का पार्ट नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन जो है एक तरह की वो पार्ट है. वो कैसे, हम बच्चों को कहते हैं ना कि आपने पूरे साल पढ़ा या दो साल पढ़ा, इतनी देर से पढ़ रहे हो, आपने क्या सीखा, है ना, बच्चे की स्किल्स, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चे जो हैं कैसे बिहेव करते हैं, वो हम उन्हें क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं. मार्क्स दे के वो तो असेसमेंट मिलती है ना, हम उन्हें तब इवेल्यूएट थोड़ी करते हैं. तो इसी तरीके से असेसमेंट जो हमारी इवेल्यूएशन है वो एक तरह की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है इवेल्यूएशन, लेकिन असेसमेंट इतना पार्ट नहीं है. तो आज हमने डिफरेंस किया CCA और CCE का, जो क्या है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन. सो होप यू लाइक दिस. थैंक यू.